नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। तो खबर आजमगढ़ से, यहाँ तमसा काव्य मंच द्वारा आयोजित शहर के मारवाड़ी धर्मशाला में कल देर रात चले सैनिक सम्मान समारोह एवं कवि सम्मेलन में सैनिकों की उपस्थिति में देशभक्ति की धारा बही। कार्यक्रम के मुख्य पूर्व सैनिक एवं वरिष्ठ साहित्यकार हरिहर पाठक निकिया मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सूबेदार कारगिल फाइटर रघुनाथ पांडे की भी उपस्थिति रही। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व वायुसेना अधिकारी प्रकाश पांडे एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में BSF में सैनिक प्रहलाद फौजी की उपस्थिति रही। सभी सैनिकों को तमसा सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। संस्था के संस्थापक प्रबंधक राकेश पांडे सागर एवं अध्यक्ष डॉक्टर ईश्वर चंद्र त्रिपाठी और अन्य पदाधिकारियों द्वारा सबका सम्मान किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ कार्यक्रम संचालन कर रहे राजकुमार आशीर्वाद के सरस्वती वंदना से हुआ। इस मौके पर सैनिक प्रहलाद फौजी ने ये मिट्टी मेरे हाथों को मैला नहीं करती सुनाकर माहौल देशभक्ति बना दिया। वहीं डॉक्टर ईश्वर चंद्र त्रिपाठी ने मेरा जिंदा जमीर रहने दें, फकीर हूँ फकीर रहने दें सुनाकर माहौल बना दिया। कार्यक्रम में घनश्याम यादव, डॉक्टर प्रवेश सिंह, आदित्य आदमी, रत्नेश राय, अजय पांडे, पठौली, बालेदीन बेसहारा, बैजनाथ गंवार, रामबच्चन यादव, शैलेंद्र मोहन राय, अटपट शालिनी राय, अम्बरीश श्रीवास्तव, राजनाथ राज, अनुपम पांडे, रोहित बारी, जयप्रकाश यादव, सोहन लाल गुप्त, स्नेहिल, राकेश चौरसिया सहित 2 दर्जन से अधिक कवियों ने काव्य पाठ किया। अंत में संस्था के संस्थापक प्रबंधक राकेश पांडे सागर ने धन्यवाद ज्ञापित किया।